इसलिए छठी मैया, छठी मैया के हम लोग पूजा, छठी मैया के नाम क्यों आया, वहीं से छठी मैया का नाम आया। और इसके पीछे बहुत कम लोगों को बताओ कि छठी मैया बोलते हैं लेकिन पूजन किससे करते हैं, तो ये जो चीज़ है वहाँ से है, उत्पत्ति वहाँ से हुई है, इसलिए छठी मैया और सूर्य भगवान दोनों का इसका समन्वय जो है, इसका जो अर्घ देने का है, अर्घ ऐसा नहीं दे सकते हैं, उसको जल से ही इनका संबंध है अर्घ का। जल में जब तक खड़े होकर के अर्घ नहीं देंगे तो वो पूर्णतः पूजन नहीं मानी जाती है, वो फिर अधूरी पूजन होती है। अतः उस पूजन को संपूर्ण करने के लिए जल में खड़े होकर के ही सूर्य भगवान को अर्घ देने का प्रथा है, और ये तब से ही चले आ रहा है, और आज से आदि काल से चले आ रहा है, और ये महाभारत के समय से स्टार्ट हुआ था, और जो अभी तक हम लोग इसको आगे भी अग्रसर कर रहे हैं अपने। इसका जो ये है नियम है, साड़ी पहन के अर्घ दिए, अर्घ देने के बाद खुल गया, दूसरा साड़ी पहन के आए घर, फिर बीच के बाजार दीजिए, फिर वही साड़ी पहन के अर्घ दीजिए। हाँ तो दूसरा वो नहीं था ना उपलब्ध, अभी तो दोनों समय के लिए अलग अलग ही हो गया, जैसे करना के लिए भी अलग हो गया है, नहीं है उपलब्धता हो गई है, स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते हैं अभी, उनकी उनकी कृपा दृष्टि वैभव की प्राप्ति अच्छी वैभव, अभी क्या है उस समय वैभव नहीं था, धन संपत्ति नहीं था उस समय में, और आज के दौर में पर्याप्त मात्रा में माता की आशीर्वाद से ही हुआ है सारा चीज। हाँ है ना, वो तिजारत हो गया, वो तिजारत बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं, वो चीज सही नहीं है, वो तिजारत के रूप में आ गया कि होठ को लाल करना। फिर देखो क्या कहते हैं, परवैती लोग नहीं करती है वैसे, भूखलों में लगा लेती है, बहुत लगाती है। क्या लगाती है, क्या लगाती है, होठ लाल क्या लगाती है, मुझे पिस्टिक क्या है, क्या लगाती है, फैशन के जमाना है, आदमी की हुई आधुनिक, आधुनिकता आ गए है। देख लीजिएगा।
बड़ी मम्मी। अविका ओम श्री आय नमः।